गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में पिछले 24 घंटे में बुधवार को 271 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पहली बार एक दिन में 9 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8068 हो गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि इनमें 122 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 1226 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 2697 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। आपको बता दें, जिले में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड कायम करते जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में बुधवार को 271 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8068 हो गई है, जिसमें से 1226 मरीजों का इलाज हो चुका है, जबकि 4023 मरीजों को होम आइसोलेशन इज ओवर हो चुका है। वहीं 2697 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। जिले में बुधवार को कोरोना संक्रमण से 9 लोगों की जान चली गई है, जो कि अब तक सर्वाधिक है। जनपद में अब तक कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है। जनपद में आज जो 271 नए संक्रमण के मामले सामने आए, उनमें शहरी क्षेत्रों में 143, ग्रामीण क्षेत्रों में 93 व अन्य 35 मरीज पाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में बुधवार को जो 143 संक्रमण के मामले सामने आए, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 34, तिवारीपुर क्षेत्र में 13, रामगढ़ताल क्षेत्र में 12, गोरखनाथ क्षेत्र में 28, कैंट क्षेत्र में 33, गुलेरिया क्षेत्र में 5, राजघाट क्षेत्र में 7, कोतवाली क्षेत्र में 9 व चिलवाताल क्षेत्र में 2 मरीज पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को जो 93 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उनमें बांसगांव क्षेत्र में 1, भटखट क्षेत्र में 1, गोला क्षेत्र में 3, खजनी क्षेत्र में 4, सरदारनगर क्षेत्र में 2, बड़हलगंज क्षेत्र में 2, कैंपियरगंज क्षेत्र में 3, जंगल कौड़िया क्षेत्र में 1, खोराबार क्षेत्र में 19, सुरवा क्षेत्र में 9, बेलघाट क्षेत्र में 5, चरगावा क्षेत्र में 26, कौड़ीराम क्षेत्र में 12, सहजनवा क्षेत्र में 5 व अन्य 35 मरीज पाए गए हैं। इनकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि जो भी पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उनके परिजनों की कोरोना की जाँच कराई जाएगी, साथ ही सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है।